नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आपके पास HP 1005 प्रिंटर है और आप अपने HP 1005 प्रिंटर से अपने कंप्यूटर के माध्यम से आप जो दोस्तों आपके पास कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है उसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कोई आपके पास JPG इमेज या कोई डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है और वो आपको PDF में जो है दोस्तों आपको 1 से लगाकर 1000 तक के पेज आप एक साथ अपने एक क्लिक पर कैसे PDF में कन्वर्ट करोगे, इसमें आपको कैसे और कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास HP 1005 लेजर जेट प्रिंटर है और आपके पास यदि कोई फाइल है या कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके पास भले दोस्तों आपके पास 100 फाइल है या फिर 1000 फाइल है और आपको आप एक क्लिक पर आपको सारी फाइलों को जो अपने PDF बनानी है, तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल से अपने कंप्यूटर PC पे आना है और आपने जो HP 1005 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च में क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्कैन टू सर्च करना है। जैसे आप स्कैन टू सर्च करोगे तो आपको एक ऐप दिखेगा, स्कैन टू ऐप, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। साथ ही दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जब तक नहीं दिखेगा तब तक आप अपना HP 1005 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जो मेन सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपको ये वाला सॉफ्टवेयर ऐप नहीं शो होगा। यदि आपका HP 1005 का सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस स्थिति में दोस्तों आपको सिंपल से गूगल पर सर्च करना है, जो भी आपका सिस्टम में क्रोम ब्राउज़र या मोजिला ब्राउज़र जो भी है उसमें आपको गूगल पे जो है दोस्तों आपको सर्च करना है HP 1005 ड्राइवर। तो जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे पहली लिंक आपको दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको HP 1005 का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है और यहाँ पर HP LaserJet 1005 फुल सॉल्यूशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉलेशन कर ले। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको ये वाला ऑप्शन सर्च करना है, स्कैन टू वाला। जैसे आप स्कैन टू सर्च करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में शो द TWAIN ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यहाँ पर आपको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद में यहाँ पर आपको लेटर की जगह A4 को सिलेक्ट कर लेना है। A4 सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप चाहो तो कितने DPI में आपको स्कैन करना है, कितने अच्छी क्वालिटी में आपको अपने जो फाइल है वो स्कैन करना है, वो DPI यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर 2 ओके वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में पुनः आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपका HP 1005 का जो प्रिंटर है उसके स्कैनर पर आपकी जो भी फाइल है सीरियल से आपने जमा रखी उसका आपको जो फर्स्ट वाला पेज है उसको आपको रखना है और सिंपल से स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको फाइल कहाँ सेव करनी उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो जहाँ पर भी आपको फाइल सेव करनी उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और आपकी फाइल का नाम क्या देना है वो यहाँ पर आप टाइप कर ले। जो भी फाइल का नाम देना है वो नाम टाइप कर ले। उसके बाद में सेव एस टाइप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लास्ट में PDF फाइल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपकी जो फाइल है वो स्कैन होना चालू हो जाएगी। तो जो भी फाइल है वो यहाँ पर कुछ समय लेगा और स्कैन हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जैसे आपकी पहला पेज स्कैन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मैसेज होगा वर्ल्ड यू लाइक द स्कैन एनदर पेज। तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। यदि नो कर दोगे तो आपने जो एक पेज स्कैन किया वही PDF में सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको पुनः यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यस पर सिलेक्ट करने के बाद पहले दोस्तों आपका जो भी फाइल है वो आपको अपने लेजर जो प्रिंटर है उसके स्क्रीन पर रखना है और यस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर स्कैन होना कुछ इस तरीके से चालू हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको पुनः इस तरीके से मैसेज होगा तो आपको तीसरा पेज यहाँ पर आपके प्रिंटर पर रखना है और सिंपल से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो तीसरे नंबर की फाइल है वो भी स्कैन होना चालू हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपके जो भी सिस्टम में आपके पास जितने भी फाइल है
उन फाइलों को आप एक एक करके जितनी एक से लगाकर 100 या 1000 तक की फाइल है वो एक एक करके रखते जाए और यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाए तो आपकी जो भी फाइल है वो स्कैन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आपको डेमो के रूप में 5 फाइल स्कैन कर दिखा रहे, तो हमने अभी 3 फाइल स्कैन कर ली, 2 फाइल और स्कैन कर लेते हैं। तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आपने जब जो भी आपकी फाइल है जितनी भी फाइल है आपको स्कैन करना, वो स्कैन सारी हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों पुनः इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, तो आपको सिंपल से नो वाले ऑप्शन को क्लिक करना। जैसे आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जो जहां आपने जिस नाम से फाइल और जहां जिस फोल्डर में सेव करी वहां पर आपकी फाइल इस तरीके से आपको दिखेगी। जैसे हमने स्कैन 2 के नाम से फाइल सेव करेगी तो हमारी PDF में फाइल इस तरीके से डाउनलोड हो गई, यानी कि हमारी फाइल तैयार हो गई। उसके बाद में इसको आप ओपन कर ले। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपका जो भी फाइल है वो कुछ इस तरीके से आपने जितने पेज स्कैन किए वो यहाँ पर पेज संख्या दिखेगी और इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो स्कैन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है वो व्यवस्थित अच्छे से अच्छी क्वालिटी में आपकी PDF में जितने भी फाइल है पेज है वो सारे यहाँ पर एक से लगाकर 1000 तक आप इस तरीके से PDF बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे फ्री में अपने डॉक्यूमेंट को जो भी डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है एक से लगाकर 1000 या 100 200 300 400 500 5000 6000 जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसकी एक PDF आप घर बैठे इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।